नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर 12 है, ठीक है, साइंस बुक का ध्वनि साउंड चैप्टर, इसके अभ्यास के प्रश्न को, और देखेंगे कि इससे रिलेटेड कौन कौन से चीज़ या फिर कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अभ्यास को। तो इसका पहला क्वेश्चन है, ध्वनि क्या है और यह कैसे उत्पन्न होती है। तो जो ध्वनि है वो क्या है? ध्वनि जो होती है वो एक ऊर्जा होती है, या फिर एक ऊर्जा के रूप में होती है, जो हमारे कानों में संवेदन जो है वो उत्पन्न करती है। ठीक है, हम ध्वनि को किस प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं? उसके ऊपर हम प्रहार कर, ठीक है, उसे खुरच कर, ठीक है, बल लगा कर, ठीक है, उसे तान करके, घर्षण के द्वारा, ठीक है, वायु में प्रवाह करने के द्वारा, बहुत सारी चीज़ें जो हैं। जैसे देखिए, प्रहार करके हम किस तरह से, जैसे कोई धातु की प्लेट है, उस पर जो है हम किसी अन्य धातु से मारते हैं तो वो प्लेट कंपन करने लगती है। खुरच करके, जैसे हमारे पास कोई लोहा है, ठीक है, तथा उसे कोई लोहे से बनी हुई पत्ती, ठीक है, ब्लेड इस तरह से बनी, उसे खुरचते हैं तो वहाँ से ध्वनि निकलती है। ठीक, बल लगाते हैं, जैसे कि हमने कोई रॉड ले लिया, ठीक, उसे जमीन के अंदर जो है वो गाड़ दिया, ठीक है, गहराई तक धसा दिया, उसे इस पीछे की तरफ बल लगा करके छोड़ देते हैं तो वो जो है वो इस तरह से आगे पीछे जो है वो कंपन करने लगता है, यहाँ से भी ध्वनि निकलती है, सूं सूं ऐसे करता है, ठीक है, इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन, एक चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए कि ध्वनि के स्रोत के निकटतम वायु में संपीत तथा विरल कैसे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं किस प्रकार से समझ सकते हैं इन्हें। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास एक यू आकार का क्षण है, ठीक, और ये अभी मान लो शांत अवस्था में है। इसमें हम तीन स्टेज देखेंगे, ठीक है, आपको तब समझ में आएगा। पहला ये है कि यहाँ के जो कण हैं, ठीक है, वो अभी बहुत पास पास हैं, इस तरह से, ठीक है, ये क्या है, एकदम पास पास हैं, लेकिन जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है ये अभी जो है वो कंपन नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए, ये हमारे सारे जो हैं वो क्या हो गए, कण हो गए। ठीक, अब सेकंड केस में क्या होगा, ठीक है, अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब ये जो है वो कंपन करता है। ये जो मैंने डॉट से दिखा रहा हूँ ये इसकी कंपन करने की स्थिति है, कभी यहाँ जा रहा है कभी यहाँ, ठीक है, इस तरह से ये कंपन कर रहा है। ठीक, जैसे ही ये कंपन करेगा इनको आप एनर्जी जो है वो थोड़ी देगा, ठीक, और ये एनर्जी पाते ही क्या करेंगे, मोशन में आ जाएंगे। ठीक, मान लीजिए ये अभी यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, पड़े हुए हैं, ठीक, इस प्रकार से, ठीक, अब जब इन पे जो है फोर्स लगेगा ये क्या करेंगे, कुछ समय बाद ये इस प्रकार से फॉर्म हो जाएंगे, ठीक, दूर दूर, ठीक है, तो ये हमारा कंप्रेस हो गया, ये रेयर हो गया। ठीक, अब ये हो गया। ठीक, तीसरी स्थिति में क्या होगा, तीसरी स्थिति में भी यही चीज होगा, ये क्या कर रहा है, कंपन कर रहा है। ठीक, तो यहाँ के जो कण हैं अब वो रेयर हो गए, ठीक, दूर दूर, ठीक, लेकिन ये जो कण था अब यहाँ पे कंप्रेस हो गया, ठीक, एकदम पास पास आ गए। ठीक, अब अगर यहाँ पे जो पहले वाले कण थे अगर वो कंप्रेस्ड हैं, ठीक है, मान लो कंप्रेस है यहाँ पे, ठीक, एकदम कंप्रेस्ड, एकदम संपीड़ित होकर के बैठे हुए हैं। ठीक, अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे वो रेयर में चेंज हो जाएंगे, ठीक, कंप्रेस हैं तो रेयर में चेंज हो जाएंगे, इस तरह से जो है वो दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ध्वनि के माध्यम से, ठीक है, रेयर कंप्रेस रेयर, कि जो ध्वनि होती है उसके स्रोत के जो निकट वायु होते हैं ये हमारा क्या है, सघन है, ठीक, ये हमारा विरल है, ठीक, या फिर विरलन बोल सकते हो, इसे आप संपीड़ित बोल सकते हो, ठीक है, संपीड़न, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रयोग से यह दर्शाया जा सकता है, ठीक, किस प्रयोग से, कि ध्वनि संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक, मान लीजिए कि आपके पास कोई एक बेल जार है कुछ इस तरह से। ये क्या है, मेरे पास एक बेल जार है, ठीक है, और मैंने जो है यहाँ पर नीचे एक पाइप जो है वो लगा रखी है। क्या की है, पाइप को लगा रखा है, ठीक है, और ये जो है हमारा टेबल है, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब आगे ये होगा, यहाँ पे आपने कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल से, ठीक है, या फिर कोई इलेक्ट्रिक वायर जो है डाल दिया और ये कार्क से बंद कर दिया, ठीक। यहाँ पे आपने एक बेल लगा दी और एक हैमर लगा दिया, ठीक, और इसे आपने क्या किया, इन स्विचों के साथ जोड़ दिया, ठीक है, और बटन को आपने क्या किया, ऑन कर दिया, ठीक। अब ये इस स्थिति में था, अब ये यहाँ से हट करके जुड़ चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अभी इसके अंदर जो है पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे कण जो हैं वायु वाले एयर के, वो इसमें प्रेजेंट हैं, ठीक। अभी ये क्या, अभी ये बंद है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि जब ये इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो ये क्या करता है, बजने लगता है, और आपकी जो आवाज़ है, इसकी जो घंटी की आवाज़ है बजने की, वो आपके कानों तक सुनाई देगी, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है, इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उन्हें आपको इस गैस के माध्यम से, ठीक है, अलग कर देनी है। ये जो हमारी पाइप थी, यहाँ से सारी एयर को बाहर निकाल देना। अब जब आप स्विच को चालू करोगे तो आपको देखोगे ये तो बज रहा है, लेकिन आपको कोई कुछ भी सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि यहाँ पे कोई मीडियम है नहीं। अब आप जानते हो कि जो साउंड होती है वो मीडियम में ही ट्रेवल करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि तरंगों की प्रकृति जो है वो अनुदैर्ध्य क्यों होती है, ठीक है। जो ध्वनि तरंग होते हैं उनकी प्रकृति, तो जो ध्वनि तरंग होता है वो किसके माध्यम से उत्पन्न होता है, विक्षोभ के माध्यम से, ठीक है। तो ये जो माध्यम होते हैं विक्षोभ के, जैसे कि मान लीजिए आपकी ये कौन सी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य। अब अनुदैर्ध्य तरंग में आपको क्या करना है, एक स्प्रिंग जैसी कोई चीज लें जो कि सॉफ्ट हो, ठीक है, उसे आपको कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है, यहां से आपने इसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां से फोर्स लगाना है, ठीक, एक बार फोर्स लगा कर फिर से खींच लेना है, ठीक। जब आप फोर्स लगा करके उसे फिर से अपनी तरफ खींचोगे, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, तो आप यहां पे ये देखोगे, ये था, अब यहां का जो मीडियम है वो कुछ इस तरह से हो गया है, फिर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से हो चुका है, ठीक। अब यहां पे देख सकते हो कि जो इनके बीच की दूरियां हैं, इनके बीच में जो गैप है वो तो बराबर है। यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे कंप्रेस्ड हो गई है, ये रेयर, ये संपीडित, ये रेयर, फिर से ये कंप्रेस्ड, ठीक है। तो जब ऐसा हो तो यहां पे आप देख सकते हो ये विक्षोभ के कारण इसमें जो है वो तरंग बन रही है, ठीक है। इसमें जो है यहां के जो कण हैं, ठीक है, वो आगे और पीछे गति कर रहे हैं, कहां गति कर रहे हैं, आगे और पीछे ये गति कर रहे हैं, ठीक। तो जब किसी भी ध्वनि में, कोई भी ध्वनि तरंग जो है उसके अंदर जो कण पाए जाते हैं, अगर वो अपनी माध्य स्थिति से आगे पीछे, आगे तथा पीछे की ओर गति करते हैं, तब ऐसी ध्वनि तरंग की प्रकृति अनुदैर्ध्य कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि का कौन सा अभिलक्षण किसी अंधेरे कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज पहचानने
में जो है आपकी सहायता करता है। तो हमने देखा विलक्षण गुण कौन कौन से थे, आवृत्ति थी, आयाम था और वेग, ठीक, ये तीन अभिलक्षणिक गुण हमने पढ़े इस चैप्टर में, ठीक है। तो अब आयाम में क्या था, आवृत्ति में तारत्व होता था, ठीक है, आयाम में क्या होता था, प्रबलता, और वेग तो आप जानते हो वो गति करता है। तो इसमें से आपका जो मेन अभिलक्षण जो होगा वो आपका आयाम होगा, ठीक। आयाम क्या है, इसके अंदर जो प्रबलता होती है, ठीक, आयाम होता है कि अपनी किसी भी कण का अपने माध्य स्थिति से ऊपर तथा नीचे की तरफ गति करना ही आयाम कहलाता है, ठीक। जितना ज्यादा आयाम होगा उतनी ज्यादा प्रबलता होगी, ठीक। ये बोला है आपकी आवाज को पहचानने में, ठीक। तो आवाज तो आप जो है कि आयाम में आप जितनी, अब आपकी जो आवाज है वो कितनी प्रबल है तथा कितनी मृदु है, ये तो हमारी प्रबलता से ही पता चले, प्रबलता किस में, तो आयाम में। तो इसीलिए अभिलक्षणिक गुण जो है वो आपका आयाम होगा, जो कि आपके मित्र को आवाज पहचानने अंधेरे कमरे में मदद करेगी कि आपकी आवाज जो है वो मीठी है या फिर थोड़ी कठोर है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है अगर आपने उसे सुनाया है। तो ये आप याद रखिए कि इसकी अभिलक्षणिक गुण जो है उसका आयाम होता है। क्वेश्चन नंबर 6, तणित की चमक तथा गर्जन साथ साथ उत्पन्न होते हैं, ठीक, लेकिन चमक दिखाई देने के कुछ सेकंड पश्चात गर्जना सुना, ऐसा क्यों होता है। हम जानते हैं कि जो तणित होती है उसकी स्पीड कितनी होती है, 3×10^8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इतनी होती है, ठीक। अब यहां पे क्या होता है, सॉरी यहां पे किलोमीटर है, 3×10^8 किमी पर सेकंड। तो ये इतनी स्पीड से क्या करता है, किसी भी मीडियम में चलता है, लेकिन जो हमारी ध्वनि है वो लगभग 342 मीटर पर सेकंड से 346 मीटर पर सेकंड के बीच में ही जो है वो चलती है, ठीक है, एक मीडियम में, ठीक है, वायु में, जो कि रेयर मीडियम है एक, ठीक है, वहां पे। इसीलिए अब इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है, ये 300,000 किलोमीटर एक सेकंड में जा रही है, केवल 342 से 346 तक एक सेकंड में जा रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो कितनी तेज प्रकाश चलती है, तो प्रकाश की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि आप उसे पहले देखते हो, कुछ समय पश्चात जो है वो उसकी गर्जना को बादल के सुनते हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, किसी व्यक्ति का औसत श्रव्य परास जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है, इन दोनों आवृत्तियों के लिए ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, यदि वायु में ध्वनि का वेग जो है 344 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो चलिए लेते हैं, तो जो हमारी आवृत्ति थी, आवृत्ति इज इक्वल टू, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीक लेटर न्यू से, ठीक है। ये क्या है हमारे पास पहले केस में 20 हर्ट्ज, ठीक है, और दूसरे केस में कितना है, ये 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। अब हमारे पास V जो है वेग सबके लिए बराबर है, ठीक है, क्या है 344 मीटर पर सेकंड, इसके लिए भी वही है V इज इक्वल टू 344 मीटर पर सेकंड। अब हमें क्या ज्ञात करना है, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा था वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू जो हमारी आवृत्ति होती है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, आवृत्ति, ये हो गया हमारा न्यू, ठीक है। ये वी की तरह ही बनता है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा बनता है, तो आपको लैम्डा निकालना है, तो आपको यहाँ पे करना होगा 344 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 20 हर्ट्ज इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। लैम्डा क्या है, जो हमारा तरंग दैर्ध्य होता है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है वो लैम्डा कितना आ जाएगा, 17.2 मीटर। वही चीज़ यहाँ पे भी होगी, लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई म्यू, ठीक। तो अब लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास वेलोसिटी कितनी थी, 344 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई
20,000 जो कि न्यू था हर्ज। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 0.0172 मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास यह है कि किसी दो बालक जो है वो किसी एल्युमिनियम के पाइप, ठीक है, क्या कर रहे हैं, वो किसी एल्युमिनियम के पाइप के दो सिरों पर, एक बालक पाइप के एक सिरे पर पत्थर से आघात करता है तथा दूसरे सिरे की स्थिति जो है वो बालक तक वायु, एक से क्या होगा एल्युमिनियम से पहुंचेगा और एक वायु से पहुंचेगा, ठीक। तो हमें दोनों का जो रेशियो है वो निकालना है, ठीक है, समय का, टाइम का, ठीक है, क्या रेशियो होगा, चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए जो एल्युमिनियम की पाइप थी, ठीक है, वो कितनी लंबी है, तो माना हमारे पास जो एल्युमिनियम था उसकी जो लंबाई है बराबर x मीटर, ठीक, और जितनी दूरी पे हमारे एल्युमिनियम की लंबाई जितने पाइप की, ठीक है, उतनी दूरी पे तो हमारे वायु से भी ट्रेवल करके जो साउंड, ठीक है, समय लेगा साउंड आने में, ठीक। तो हम यहाँ पे मान लीजिए जो एयर वाला है उसे मैं केवल एक पाइप मान लेता हूं, ठीक। तो माना पाइप की भी लंबाई कितनी है, एक्स मीटर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो वायु में ध्वनि की चाल कितनी हो जाती है, तो वायु में ध्वनि की जो चाल होती है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, हमने देखा है, फिर आप वेग कह सकते हो, ठीक। तो ये हो जाती है कुछ 346 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस के ताप पे, ठीक है, 35 से 37 के बीच तक। तो अब ये तो सबके लिए ही होगा, ठीक है, क्योंकि अब आप तो एयर में ही हो, तो एयर में तो इतनी स्पीड रहेगी बराबर। तो अब सबसे पहले हम एल्युमिनियम के लिए निकाल लेते हैं, ठीक, एल्युमिनियम में जो टाइम लगा है, ठीक, तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है, जो कि हमने क्या किया, एल्युमिनियम का जो टाइम था वो निकाल लिया, ठीक, रख देते हैं। दूरी कितनी है, एक्स मीटर डिवाइडेड बाई 346 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो मीटर से मीटर ये कट गया, बचा केवल हमारे पास सेकेंड, ठीक है। तो अब हम एयर के लिए निकाल लेते हैं कि जो एयर के माध्यम से ध्वनि को आने में जो टाइम लगा, ठीक है, एयर से इसका भी टाइम क्या हो जाएगा, यही होगी ना, दूरी बटे चाल, ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा, एक्स मीटर डिवाइडेड बाई कितना होगा, ओ यहाँ पे जो एल्युमिनियम था, ठीक है, ये तो वायु की थी, ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ये जो एल्युमिनियम की पाइप थी, ठीक है, उसके अंदर जो स्पीड होती है, ठीक है, किसकी, साउंड की, वो हो जाती है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्वनि की चाल, ठीक है, जो कि हमने पढ़े थे, वो हो जाती है 6,420 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो यहाँ पे जो हमने चाल में रखा था ये हम इसको रखेंगे 6,420 मीटर पर सेकेंड, ठीक, मीटर से मीटर कट जाएगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, x बाय 6,420 सेकेंड, ये x मीटर डिवाइडेड बाय 346 मीटर पर सेकेंड, ये यहाँ से कट जाएगा, आ जाएगा हमारे पास x बाई 346 मीटर, सॉरी सेकेंड आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब हमें दोनों का कंपेरिजन करना है, ठीक है, रेशियो निकालना है। तो आप जो है यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो अगर हम दोनों का रेशियो निकालते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा एयर का रेशियो, ठीक है, मतलब कि एयर में जो स्पीड है, टाइम लगा,
ठीक है, एयर में जो टाइम लगा डिवाइडेड बाय जो हमारे एल्युमिनियम में टाइम लगा, ठीक है, टाइम ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है। तो अब एयर वाले टोटल टाइम कितना है, एक्स डिवाइडेड बाय 346 डिवाइडेड बाय एल्युमिनियम में कितना लगा था, एक्स डिवाइडेड बाय 6420, ये सेकंड, ये भी सेकंड, इज इक्वल टू, अब यहाँ इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाय 346 इंटू, अब ये जो है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक, जो 6420 बाई एक्स, तो एक्स से एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो अब यहाँ पे हमारे पास टाइम क्या आ जाएगी, 6000, ठीक है, जो उनका रेशियो होगा 420 डिवाइडेड बाई 346। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू 15 और 18 का रेशियो जो है, 55 और 18 का रेशियो जो है वो हमारे एल्युमिनियम और एयर के बीच में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति जो है वो 100 हर्ट्ज है, एक मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा। तो कंपनों की संख्या हमने देखा था, कंपनों की संख्या बराबर क्या है, जो आवृत्ति है, ठीक, इनटू जितना टाइम है, टाइम हमारे पास क्या है, एक मिनट, ठीक, ये किसके बराबर है, 60 सेकंड के, ठीक। फ्रीक्वेंसी कितनी हमारे पास, 100 हर्ट्ज की, 100 हर्ट्ज, ठीक है। अब हम आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 इंटू 6 इज इक्वल टू 600 बार, ठीक है। ये टोटल 600 बार उस 60 सेकंड में गति जो है ये करेगा कंपन, ठीक है। अब आप जो है समझ चुके हो, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 60 है ना, तो 6000 हो जाएगा, ठीक है, तो 6000 बार हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंथ, क्या ध्वनि जो है परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती है जिनका कि प्रकाश के तरंग करते हैं, इन नियमों को बताइए। तो हमने देखा था कि जो हमारी साउंड होती है उसमें जो अभिलंब होता है, ठीक, यहाँ से मान लीजिए जो ध्वनि आती है, ठीक, उसका कोण और जो ध्वनि जो है इस सतह से टकरा करके जाती है उसका कोण जो है वो बराबर होता है। और दूसरा क्या था, ये जो तीनों हैं वो क्या करते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक है, कहाँ पे, एक ही तल में होते हैं, ठीक। तो अभिलंब और जो ध्वनि का आपतन और परावर्तन की जो दिशा है इनके बीच जो कोण बनता है वो बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th है कि ध्वनि का एक स्रोत किसी परावर्तक सतह के सामने रखने पर उसके द्वारा प्रदत्त ध्वनि तरंग की प्रतिध्वनि सुनाई देती है यदि स्रोत तथा परावर्तक सतह की दूरी स्थिर रहे, ठीक, जो श्रोता है जो उसे सुन रहा है या फिर जो स्रोत है जहां से निकल रही है, किस दिन प्रतिध्वनि अधिक शीघ्र सुनाई देती, जिस दिन तापमान अधिक होगा, जिस दिन तापमान कम होगा, तो जिस दिन तापमान अधिक होगा उसी दिन अधिक तेजी से सुनाई देगी, ऐसा क्यों होता है। तो इसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे जो हमारा ताप होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, ध्वनि की जो स्पीड होती है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के दो व्यवहारिक उपयोग लिखिए। पहला, जो ध्वनि तरंग होता है इसमें क्या होते हैं, इनका उपयोग जो है, हम जैसे थिएटर में हैं, ठीक है, कोई शो चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे सिनेमा दिख रहे हैं, तो वहाँ पे ध्वनि तरंगों को जो है क्या किया जाता है, उनके परावर्तन के द्वारा पूरे कमरे में फैलाया जाता है ताकि हम क्या कर सकें कि उनकी जो, या फिर थिएटर में जो भी आवाज़ निकल रही है वो सबके पास पहुँच सके, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरे में हम ये देखते हैं जैसे जो ध्वनि तरंग के परावर्तन होते हैं, जो हमारा स्टेथोस्कोप होता है जिसके माध्यम से जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, जो मरीज होते हैं उनको उनके क्या करते हैं, देखभाल या फिर उनकी जो हृदय की धड़कने होती हैं उन्हें मापते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13,
500 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से एक पत्थर मीनार के आधार पर स्थित एक पानी के तालाब में गिराया जाता है। पानी में गिरने इसके गिरने की ध्वनि चोटी पर कब सुनाई देगी? आपको दिया है जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ध्वनि की चाल दी है 340 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पे हाइट कितनी है, 500 मीटर। जी कितना है हमारे पास यहाँ पे, जी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये है। अब आगे क्या है, U, तो जब उसे छोड़ा जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और जो वेलोसिटी है वो क्या है, 340 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे इसे हम, तो यहाँ पे कोई ऊंचाई है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक तालाब है, इसके अंदर जो है वो पानी भरा हुआ है। ठीक, कोई व्यक्ति जो वो इसके अंदर पत्थर को फेंकता है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है यहाँ पे, 500 मीटर। ठीक है, तो जब ये गिराएगा तो यहाँ से इस तालाब तक गिरने में समय लगेगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये समय क्या लगा, T1। ठीक है, फिर जब ये गिरेगा तो इस ध्वनि को इस वेग से 340 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर जाना होगा। ठीक, उसे मान लो हम T2 मान लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम T1 निकालेंगे, फिर उसके बाद T2, फिर दोनों जोड़ देंगे, इसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कितनी दूरी जो है या फिर कितने समय में वो हमारे पास उसकी ध्वनि जो है वो पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हम सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है, मोशन का, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ut s कितना है, 500 मीटर इज इक्वल टू u, ये तो जीरो हो गया तो ये टोटल जीरो हो गया, इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड इंटू t स्क्वायर। तो 2 से ये 5 टाइम्स कट जाएगा, तो 500 मीटर इज इक्वल टू 5 t स्क्वायर। तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 5 मीटर। ठीक है, ये था, यहां मीटर से मीटर कट जाएगा, बचेगा क्या पूरा सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब t इज इक्वल टू अंडर रूट 100 स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो t बराबर 10 सेकंड। ठीक है, तो 10 सेकंड में जो हमारी पत्थर है वो उस 500 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर गिरेगी। ठीक, अब हमें क्या दिया है, अब हमें जो है समय निकालना है। ठीक, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी थी T2 में, ये T1 है तो समय T2। ठीक, अब ये गिर चुका है 10 सेकंड में, अब इसे फिर से ऊपर जाना है, फिर से हमें जो है वो टाइम निकालना पड़ेगा। 500 मीटर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, 340 मीटर पर सेकंड, ये कट जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे आपका 1.47 सेकंड। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो अब पूरी समय जो है उस 500 मीटर कवर करने में लगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू टोटल टाइम। ठीक है, तो T1 कितना था, 10 सेकंड प्लस 1.47 सेकंड इज इक्वल टू टोटल टाइम। ठीक, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू 11.47 सेकंड। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां। एक ध्वनि तरंग, ठीक है, जिसकी चाल जो है वो 339 कितना है, 339 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। इसकी तरंग दैर्घ्य अगर 1.5 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी, क्या ये श्रव्य होगी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया है, चाल दी है, ठीक है, कितना दिया, 339 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 339 मीटर
पर सेकंड, ठीक। ये हमारे पास वी है, और तरंग दैर्ध्य लैम्डा दिया है कितना, 1.5 सेंटीमीटर। अब इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.015 मीटर, ठीक। तो अब हमें क्या निकालनी थी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे आपका, ये हो जाएगा आपके पास वेग इज इक्वल टू क्या होता है, चलिए फिर पहले हम पूरा फार्मूला लिखते हैं तब आपको समझ में आएगा। वेग इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, ठीक है। तो न्यू यहां पे आपको निकालना है, ठीक है। तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, वेलोसिटी डिवाइडेड बाई लैम्डा इज इक्वल टू 339 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 0.015 मीटर। मीटर से ये जो है, ठीक है। अब देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास म्यू न्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 22,600 मीटर, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक है। तरंग दैर्ध्य से जब हमने निकाला तो हमारे पास जो आवृत्ति आई, तो हमने देखा जब हम इसे कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 2.2 किलोहर्ट्ज, ठीक है। तो अब ये जो हमारी श्रव्य परास होता है वो कितना होता है, केवल 22 हो जाएगा, ठीक है, 22.6 के हर्ट्ज, और हमारी पराश्रव्य ध्वनि 20 के हर्ट्ज केवल ही होती है, ठीक है। तो ये कौन सी ध्वनि हो जाएगी, पराश्रव्य, इसे हम नहीं सुन सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरणन क्या है, इसे किस तरह से कम किया जा सकता है। तो अनुरणन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी कमरे में बैठे हो तो आपने कोई आवाज बोल दी, तो वो आवाज वो ध्वनि जब किसी बाधा रहित होकर के, उसके मार्ग में कोई भी बाधा नहीं है, उससे रहित होकर के जब यही आवाज ध्वनि जो है वो आपको बार बार सुनाई देती है, ठीक है, काफी समय तक आपको सुनाई देगी, वो आपकी अनुरणन कहलाती है। इसे जो है हम दीवारों पर जो है ध्वनि अवशोषक लगा करके कम कर सकते हैं, ठीक है, पर्दे लगा करके, खुरदरे प्लास्टर लगा करके, फाइबर बोर्ड लगा करके कम कर सकते हैं। 16वां, ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है। ध्वनि की प्रबलता से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा कान है, ठीक है, उसके लिए मतलब कि प्रबलता क्या होती है। ध्वनि की प्रबलता हमारी जो कानों की संवेदनशीलता की माप होती है, वही ध्वनि की प्रबलता कहलाती है, ठीक। तो अगर समान तीव्रता वाली ध्वनियों को हम जो है उनकी प्रबलता पहचान सकते हैं, तो प्रबलता क्या होता है, जिसका जो आयाम होता है, आयाम का मतलब कि उनके अंदर उनकी जो माध्य स्थिति होगी, इस पे वो यहाँ पे ज़्यादा होगी, कुछ आते आते ये कम हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी, तो फिर ये क्या करेगी, नीचे की तरफ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी इस तरह से, फिर धीरे धीरे कम होगी, फिर धीरे धीरे ये कम होगी, ठीक है, फिर धीरे धीरे कम होगी। तो मान लीजिए ये यहाँ से निकला, ठीक है, इस प्रकार से, इस तरह से आएगा, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, ठीक है। तो जो आयाम होता है ये हमारे किसी भी, आप कह सकते हो कि कण का अपनी माध्य स्थिति पे दोलन करना ही आयाम जो है वो कल, जितना ज़्यादा ऊर्जा होगी उसमें वो उतना ज़्यादा आयाम करेगा, और जितना ज़्यादा आयाम होगा प्रबलता उतनी ही ज़्यादा होगी ध्वनि की, ठीक है। तो जो ध्वनि की प्रबलता होती है उसे अगर आप डायग्राम से समझना चाहो तो जैसे देखिए, मैं पहले मृदु ध्वनि की प्रबलता बनाऊंगा, ठीक है। तो इसकी जो प्रबलता होगी वो कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई देगी, आप देख सकते हो इनके बीच की दूरी जो है वो थोड़ा कम है, ठीक। लेकिन जो आपकी कठोर प्रबलता या फिर जो अधिक प्रबल होती है, ठीक है, आपकी
मृदु हो ध्वनि होती है, अब जो प्रबल ध्वनि होती है उसका डायग्राम जो है आप इस प्रकार से बना सकते हो। ठीक, वो इस पे कुछ इस प्रकार से जो है वो बनेंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी ज्यादा है। आप यहां पे ये कह सकते हो उनकी प्रबलता ज्यादा है, ठीक है, उनका आयाम ज्यादा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, चमगादड़ अपने शिकार पकड़ने के लिए परास ध्वनि का उपयोग जो है वो किस प्रकार से करता है, वर्णन। तो जो चमगादड़ था हमने देखा ये कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो है वो चमगादड़ है ये जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ से क्या करेगा, कुछ परास्रव्य ध्वनियों को निकालेगा, ठीक है, वो जाएंगे यहाँ पे, अगर कोई कीट होगा तो वहाँ से वो वापस लौट के इसके पास आ जाएंगे। और ये क्या करेगा, ये उसे तुरंत ही समझ लेगा कि यहाँ पे जो है वो कोई कीड़ा है, ठीक है, वहाँ पे जो उसकी उच्च तारत्व की पराध्वनि को वो जो है भेजेगा उस कीट के पास, कीट से परावर्तित होकर के आएगी और वो जो है उसे खा सकता है। ठीक है, इस प्रकार की क्रिया जो है वो वहाँ पे करता है उड़ते समय। ठीक है, और अगर कोई अवरोध आते हैं, मान लो यहाँ पे अगर कोई दीवार है तो बाकी जो ध्वनियाँ हैं वो इससे जाएंगी तथा पीछे से फिर से उसको दोबारा जो है वो ध्वनियाँ फिर से सुनाई देंगी, तो समझ जाएगा पीछे जो कोई अवरोधक है और उसे खा करके यहाँ से मुड़ जाएगा। ठीक, इस तरह से काम करता है वो। क्वेश्चन नंबर 18, वस्तुओं को साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं। तो जो पराध्वनि होती है, अगर हमें वस्तुओं को साफ करना है तो उसमें हम क्या करते हैं, उच्च पराध्वनि निकालते हैं। वो क्या करता है, एक ऐसे स्थान पे जहाँ पे पहुँचना दुर्लभ होता है, जैसे टेढ़ी मेढ़ी नलों के पाइप, ठीक है, कुछ डिफिकल्ट पुर्जे होते हैं, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिक सामान होते हैं, उनमें जो है पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है उनमें साफ करना, तो वहाँ पे पराध्वनि जो है वो उपयोग कर ली जाती है, जो कि धूल चिकनाई उच्च आवृत्ति की ध्वनि जो है वहाँ पे छोड़ी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, सोनार की कार्यविधि तथा उपयोग का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो सोनार होता है, तो सोनार क्या है, सोनार एक ऐसी युक्ति होती है जिसके माध्यम से, जैसे कि मान लीजिए यहां पे आपके पास जो है वो एक जहाज है, ठीक है, ये आप जहाज लेके जा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे एक आपका प्रेसित्र होता है और यहाँ पे आपका क्या होता है, एक संसूचक होता है। ठीक, ये क्या करेगा, जैसे मान लो ये आपका वाटर है, ठीक, यहाँ पे जो है वो समुद्र की सतह है, ये ध्वनि को भेजेगा, ठीक, फिर क्या करेगा, इसी से ये अवशोषित कर ली जाएगी, ये भेजेगा ये अवशोषित कर लेगा, तो इसके माध्यम से आप जो है यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं जो कि बताते हैं कि जो हमारी तरंग है उसकी गति कितनी है और उसे वापस आने में टाइम कितना लगा है। ठीक, तो वहाँ पे जो है वो मेजर कर लिया जाता है कि ये कितनी दूरी पर है, ठीक है, हमारा जहाज जो है वो कितने ऊंचाई पर चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको वेलोसिटी पता है और टाइम पता है तो आप जो है 2D इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम से जो इसका डिस्टेंस है नाव और समुद्र तल का, इसे निकाल सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं सोनार का उपयोग जो किस लिए किया गया। इस तकनीक से जो जहाज़ होते हैं वो ज़मीन पे जो है कितनी ऊंचाई पे चल रहे हैं, कोई वेल या फिर कोई बड़ी मछली आ गया, ठीक है, उनसे बचने के लिए, ठीक है, कोई टूटा फूटा जहाज जो है वो डूबा पड़ा है उससे टकराने से बचने के लिए, ठीक है, और जैसे कोई बर्फ़ के चट्टान है, ठीक है, उससे बचने के लिए, ठीक है, ये सारी जानकारी उन्हें दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एक पनडुब्बी पर लगी एक सोनार युक्ति संकेत भेजती है, उसकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड पश्चात सुनाई देती है। यदि पनडुब्बी की जो वस्तु की दूरी है वो कितनी हो, 3625 मीटर, तो ध्वनि की चाल बताइए। बस फार्मूले में रख दो, 2D इज इक्वल टू वी इंटू टी, तो 3625 इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू 5 सेकेंड। ठीक है, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास यहाँ पे पूरा क्या आ जाएगा,
7,250, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू यू। तो जब हम इसे सॉल्व करें हमारे पास क्या आ जाएगा, 1450 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, किसी धातु के ब्लॉक में दोषों का पता लगाने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे किया जाता है, वर्णन कीजिए। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक ये बड़ा सा जो है मेटल का स्लैब है, ठीक है, यहाँ पे जो है कुछ संसूचक लगे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जो है वो एक छोटा सा क्रैक है, ठीक, तो यहाँ से जो है कुछ तरंगे जो है परस्पर भी तरंगे भेजी जाती हैं, ठीक, इन पे जो तरंगे पड़ती हैं वो वापस हो जाती हैं, ठीक, और बाकी जिस पे पड़ती हैं वो जा करके इन संसूचकों पे जो है वो टकरा जाती है और पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई चीज़, लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा क्रैक होता है, जहाँ पे थोड़ा सा दोष होता है वहाँ से वापस हो जाए, तो इसके ऊपर जो है वो कोई भी संसूचक प्रभाव जो है उस पर नहीं पड़ेगा और तब आपको पता चल जाएगा इस पराध्वनि के माध्यम से कि इनमें जो है वो दोष है। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य का कान जो है वो किस प्रकार कार्य करता है, विवेचना कीजिए। ठीक, तो जैसे मान लीजिए ये जो है एक ह्यूमन आई है, ठीक, ये इसे हम कर्ण पल्लव बोलते हैं, यहाँ पे जितनी भी सारी ध्वनियाँ जो हैं वो आती हैं, ठीक, इस पे टकरा करके ये इसे जो हमारा श्रवण नलिका है उसमें चली जाती हैं, ठीक, यहाँ पे आपका एक ईयर ड्रम होता है, ठीक है, जिसे हम कर्णपट्ट बोलते हैं, इसके इसमें जो है जब कर्ण जो है वो आपके वायु के कंपन करते हैं तो यहाँ पे आपके तीन छोटी छोटी हड्डियाँ पाई जाती हैं जो कि आपके पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डियाँ होती हैं, कौन कौन सी, मुद्गरक, निहाई और वलयक, ठीक, तो जो मुद्गरक होता है निहाई और वलयक, ठीक है, तो अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखो तो आपको जो है वो कुछ इस प्रकार से जो है वो दिखाई देगा, ठीक है, तो यहां से जब इसके अंदर ध्वनियाँ प्रवेश करती हैं तो ये क्या करता है, यहाँ पे आपका एक बड़ा एरिया है, यहाँ पे छोटा एरिया, ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था प्रेशर इज इक्वल टू एफ बाई फोर्स बाई प्रणोद बाई एरिया, ठीक, और जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एरिया के, ठीक, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, तो यहाँ पे एरिया आपका कम हो जाता है तथा प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक, प्रेशर बढ़ने के कारण जो आपकी ध्वनि होती है वो लगभग 20 गुना तक बढ़ सकती है, ठीक है, तब ये जो हमारा कर्णवरंत होता है इसके अंदर कुछ लिक्विड पाए जाते हैं, ठीक है, तो जब ये लिक्विड क्या करते हैं कि गति इनके अंदर जो है वो हलचल होने लगती, गति करने लगते हैं ये थोड़े थोड़े, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये इन्हें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में परिवर्तित कर देते हैं जो कि हमारी श्रवण तंत्रिका के माध्यम से हमारे ब्रेन तक पहुंचा दिया जाता है और वहां पर जो है एक्शन जो है वो लिया जाता है, ठीक है, इस तरह से जो हमारा कान होता है वो ध्वनि जो है हमारे कान तक पहुंचाता है, और ये मुख्यतः तीन पार्ट के होते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतः कर्ण। तो इस तरह से हमारा ये जो साउंड वाला चैप्टर है वो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसे देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।